हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप तैयारी कर रहे हैं WBTET 2023 की, जिसकी परीक्षा है दिसंबर 10 तारीख यानी संडे को। ज्यादा दिन अब बचे नहीं है, अब 70 दिनों से भी कम समय है। जी हाँ, केवल 70 दिन है आपके पास इस एग्जाम्स की पूरी तैयारी करने के लिए। और जिस तरह पिछले साल की पढ़ाई से हम लोगों ने 80% कॉमन आप लोगों को दिया था, ये आप लोगों का ही कहना था, इस साल भी हम इसी के प्रयास में है कि 80 दिन जो हमें मिले, 10 दिन जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, इसमें हम लोग 130 पार हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए EVS की एनवायरमेंटल साइंस की हम अगली क्लास यानी तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जो कि है Season 2 Episode 4। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास का जो नंबर था हमने 2 दे दिया था, तो 3 क्लासेस हो गए, तो ये चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में हम वेस्ट बंगाल GK स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि WBTET पूरा ही आपका वेस्ट बंगाल स्टेट पे आपका डिपेंड करता है। तो यहां से आने वाले कई सारे पहलुओं से इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन को कई तरह से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो है इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के जितने भी उद्योग, जो कि पश्चिम बंगाल में आज कॉलोनियल पीरियड से या मध्य भारत से या एंशियंट टाइम से, जो हमारे पश्चिम बंगाल का एक इतिहास है, पूरे भारत का गर्व है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है और इसके पहले भी जो 2 टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, वो सारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी कई सारी परीक्षाएं, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर हो गया जो पश्चिम बंगाल से रेड है, या WBCS की परीक्षा हो गई, या आपके जो मिसलेनियस परीक्षा की नोटिफिकेशन आई है, या PSC मिसलेनियस क्लर्कशिप हो गया, इन सब परीक्षाओं के लिए इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल जो है बहुत ज्यादा खास है। फिलहाल हम फोकस करेंगे WBTET 2023 के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, लंबा सेशन है, साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ आप भी मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप मैच कर सके कि आप इसके बारे में कितना कुछ जानते हैं। नहीं जानते तो भी फायदा, आपको आंसर पता चल जाएगा, और अगर आप जानते हैं तो आपके एक रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, सवाल है द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप इन इंडिया इन। देखिए, ये सवाल आया हुआ कहां पे है, ये सवाल आया हुआ है आपका WBCS प्रीलिम 2013, यानी पश्चिम बंगाल के प्रीलिम्स 2013 के परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया, क्योंकि बहुत ही आम सवाल है ये और पूछा जाना चाहिए जब आप पश्चिम बंगाल से संबंधित किसी परीक्षा को देना चाहते हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम। तो यहाँ तो आपको एक टीचिंग स्किल है कि नहीं, कि जब आप बच्चे को पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ाएंगे, पश्चिम बंगाल के किसी प्राइमरी स्कूल में अगर आप काम करते हैं, तो आपके आसपास जूट के खेत आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और जब बच्चे एनवायरमेंटल क्लास करेंगे, तो उनकी किताबों में भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक कैश क्रॉप, जो कि जूट है, जिससे रस्सी बनते हैं, मैट बनती, चटाई बनती है, बोरे बनते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें बनती है, एक्सपोर्ट होती है, भारत से बाहर की एक्सपोर्ट होती है, इसके बारे में जानना और बच्चों को समझाना काफी जरूरी होता है शिक्षक होने के माध्यम से, एक शिक्षक होने के चलते। तो भारत में जो पहला जूट मिल था, ये भारत में कब एस्टेब्लिश किया गया? देखिए, जहां तक फर्स्ट जूट मिल का सवाल है, इसका आंसर का जहां तक हम सवाल है, ठीक है, ये कोलकाता में इसकी स्थापना रिसड़ा नामक जगह में 1859 में हुई थी। क्या हुई थी? 1859। तो अगर आपका जवाब 1859 है, तो आपको एक नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, गलती से यहाँ पे आ गया है। देखिए, जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो जितने सारे जूट मिल थे, जूट मिल जो है वो तो भारत में रह गए, यानी जूट बनाने, जूट को प्रोसेस करने के लिए जितने भी कारखाने थे वो तो भारत में रह गए। ठीक है, लेकिन 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ वो जमीन और खेत जहां पे जूट की पैदावार होती थी, उसमें से अगर मान लीजिए 4 में से 3/4 जमीन का हिस्सा जिसमें जूट की खेती होती थी, वो कहां चला गया पार्टीशन के बाद? वो चला गया बांग्लादेश में, क्योंकि पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, कि ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जिसे हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो जो खेतीहर, जो खेती की जमीनें हैं, वो 4 में से 3 हिस्सा बांग्लादेश में चली गई, 1 हिस्से भारत में रह गई, लेकिन जितना भी जूट मिल और कारखाना था जहां जूट के प्रोसेसिंग होती थी, रस्सी या फिनिश्ड गुड्स, मैट्स, जूट्स, बोरे, सैक्स वगैरह बनाए जाते थे, वो भारत में रह गए। ठीक है, और ये जो मिल है वो सेटअप ऑन द रिवर बैंक ऑफ हुगली इनका था। ये भी जरूरी है कि जो जूट मिल है, यानी जो कारखाने हैं, ये कलकत्ता की हुगली नदी के किनारे है, क्योंकि यहाँ से जूट की खेती के लिए जो हमेशा जो उनके जड़ों में जूट एक ऐसा एक पैदावार है जहाँ खेतों में इनके जड़ों में हमेशा पानी जमा रहना चाहिए, तो यहाँ इसके नदी के बगल में इसके लिए काफी अच्छा एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिल जाता है इसके लिए,
और जूट स्पिनिंग मशीनरी, उस समय जो है जूट जूट से उसके रस्से निकालने के लिए जो मशीनरी थी वो किसके द्वारा लाया गया था, जॉर्ज एक्लैंड फ्रॉम डंडी। तो यहां से भी एक नंबर के सवाल पूछे जा सकता है, बड़ा ही अटपटा सा एक सवाल है ये, जॉर्ज एक्लैंड फ्रॉम डंडी जो है जूट स्पिनिंग मशीनरी पहली बार भारत में लेके आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1867 पहला जूट मिल हमारे भारत में आया था। ठीक है, आपका पहला आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख सकते हैं ये जूट के खेत है, इतने लंबे लंबे जो है जूट जो इसे काटा जा रहा है और काटने के बाद जो है इसे पानी में रखा जाएगा इसे सड़ने के लिए। जब ये सड़ता है तो यहां से काफी ज्यादा बदबू निकलती है, जब वो रास्ते से गुजरेंगे तो काफी लंबे समय तक जो है आपको इसकी बदबू नाक में आती रहेगी। लेकिन ये कैश क्रॉप है, गोल्डन क्रॉप है, और इसको पानी में रखने के बाद सड़ाने के बाद जब इसमें से रस्से अलग हो जाते हैं तो उसे अलग करके स्पिन करके वहां से रस्सियां बाहर निकाल दी जाती है। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जूट प्रोड्यूसिंग जितने भी केंद्र हैं उसमें सबसे मेजर यानी कि मुख्य जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन है, क्या वो नैहाटी है, भाटपाड़ा है, टीटागढ़ है या ऑल ऑफ दीज है, सवाल आपसे ये पूछा गया है। देखिए इसका जवाब जवाब तो बहुत ही आसान है क्योंकि पश्चिम बंगाल में केवल एक ही एरिया नहीं है जहां पर जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर है जो काफी मुख्य है, बल्कि कई सारे एरिया है। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें आपका नैहाटी आ जाती है, भाटपाड़ा आ जाता है, टीटागढ़ आता है और कमरहट्टी आती है, और ये चारों जगह जो यहां देखें नैहट्टी, भाटपाड़ा, टीटागढ़ और ये कमरहट्टी, ये कहां पे है, ये है नॉर्थ 24 परगना जिला में है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद बंसबेरिया, आप बात करें अगर बंसबेरिया की या बैद्यबाती की अगर आप बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम रिसरा की बात करते हैं, श्रीरामपुर की बात करते हैं, ये कहां पे, होगी डिस्ट्रिक्ट में है। सल्किया, हावड़ा एंड उलुबेरिया, ये कहाँ पे है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और बच की अगर हम बात करें तो ये साउथ 24 परगना में है। तो पश्चिम बंगाल के इन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये जितने भी जगह हैं ये सारे के सारे बहुत ही प्रमुख जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर है जहां से जूट का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है और यहां से विदेशों में भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स जो काफी फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेकिन अगला सवाल बढ़ने से पहले देखते हैं कि ये कह रहा है कि हुगली रीजन के ही बगल में जूट के जो उद्योग हैं इसके पनपने के पीछे क्या कारण है। देखिए बहुत कारण होता है, आपको समझना पड़ता है कि जब कोई फसल की खेती आपके उस राज्य की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर देती है और वो किसी विशेष एक जगह पे उसकी पैदावार होती है तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपको जानना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हुगली रीजन जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के काफी नजदीक है, जहां पे जूट, जहां पे जो खेत है, जो खेत जहां पे खेती की जूट के उससे काफी नजदीक है हुगली रीजन। दूसरी बात, यहां पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है यानी कि पानी जो पानी से आने जाने के लिए जो परिवहन की व्यवस्था है वो काफी सस्ती है। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, यहाँ पे रेलवे अवेलेबल है, सड़क के माध्यम से आप सामानों को ला और ले आ सकते हैं, आपको पानी जहाज का या पानी से आने जाने वाले जो यातायात का साधन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके जरिए कच्चे माल को मिल तक और मिल से पके हुए माल यानी कि फिनिश्ड गुड्स को भारत के अलग अलग जगहों पर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो काफी फैला हुआ है और काफी सस्ता है, काफी नजदीक है, इसलिए इसके अगल बगल जो है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है पाए जाते हैं। यहां पे पानी की मात्रा काफी पाई जाती है क्योंकि जो रॉ जूट होता है, जो कच्चा जूट होता है, जो आप खेतों से काट के निकालते हैं, उसे काफी लंबे समय तक पानी में रखना पड़ता है, उसे सड़ाना पड़ता है, तब जाके वहां से रेशे निकलते हैं, इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो देखिए, पश्चिम बंगाल के आसपास बिहार है, उड़ीसा है और आपका उत्तर प्रदेश है, ये तीन राज्य बंगाल के सीमा से लगे हुए होने के चलते यहां से जूट की खेती के लिए जो लेबर यानी कि जो श्रमिक की जरूरत होती है वो काफी सस्ती दरों पे आसानी से मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जूट बनाने की जो लागत है काफी कम पड़ जाती है। ठीक है, कोलकाता जो है एक अर्बन सेंटर है, ये चूंकि कोलकाता एक अर्बन सेंटर, एक शहरी इलाका है, एक म्युनिसिपल इलाका है, तो यहाँ पे बैंकिंग की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, बंदरगाह की सुविधा है, जिससे क्या होता है जूट से बनने वाले जितने भी सामान है उसको एक्सपोर्ट करने में यानी देश से विदेश में ले जाने की सुविधा काफी अच्छी रहती है। जहां तक 90% जूट जो है कल्टीवेटिंग का होता है हिंटरलैंड, कोलकाता के भीतरी इलाके में जो है पूरे बंगाल का 90% जो है जूट जो है प्रोड्यूस होता है। और जूट जो है एकमात्र ऐसा क्रॉप है जो कि अगर आपके रीजन में बाढ़ भी आ जाए यानी कि फ्लड भी आ जाए तो भी इसको झेल लेता है। जी हाँ,
वेस्ट बंगाल एलोन जो है, ठीक है, जितना भी रॉ कच्चा जूट जो प्रोड्यूस होता है, उसका 50% से भी ज्यादा, जी हाँ, आधे से भी ज्यादा जूट केवल पश्चिम बंगाल में प्रोड्यूस होता है। तो ये जूट जो है बंगाल के लिए गोल्डन फाइबर है, कैश क्रॉप है और यहाँ के इनकम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर तीन देखते हैं कि इन विच प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज द फर्स्ट मिल टू मैन्युफैक्चर पेपर वॉज सेटअप इन 1812। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा जगह है जहां पे पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया था कागज बनाने के लिए 1812 में। तो 1812 में कागज बनाने की जो पहली फैक्ट्री जो बनाई गई थी उसका सही आंसर टीटागढ़, त्रिवेणी, नईहाटी, श्रीरामपुर। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीरामपुर। देखिए इंडियन पेपर इंडस्ट्री जो है एक लगभग एक शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है और पहला जो पेपर मिल था वो 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। लेकिन हुआ ये कि ये जो मिल है ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि उस समय पेपर की जो डिमांड थी वो उतनी ज्यादा थी नहीं, तो इसमें काफी लॉस और घाटे हो रहे थे, इसलिए पेपर मिल को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। श्रीरामपुर जो है एक फेमस और हिस्टोरिकल सिटी है पश्चिम बंगाल में और ये हेडक्वार्टर है, श्रीरामपुर सब डिवीजन का हेडक्वार्टर है और एक प्री कॉलोनियल टाउन है, यानी कि अंग्रेजों के जमाने से भी चलता आ रहा एक शहर है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्रीरामपुर का वो पेपर मिल के एक दृश्य है जहां पे यह पेपर जो है बन रहा है। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर सवाल पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम कोलकाता। कह रहा है कोलकाता से एक्सपोर्ट होते हैं, कोलकाता से तो बहुत सारे सामान विदेशों को एक्सपोर्ट होते हैं, वहां के बंदरगाह से बाहर जाते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट नहीं होता, तो पिक्चर के माध्यम से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल जो है यहाँ पे, जो मालूम है कि बंगाल की सिल्क की साड़ियां बहुत फेमस है, यहाँ के लेदर जो है आपको पता है बाटा नगर है और बाटा नगर जो है पूरे भारत में पश्चिम बंगाल का ऐसा जगह है जो चमड़े के सामान के लिए, चमड़े के उत्पादन के लिए बहुत फेमस माना जाता है। यहाँ का जो एग्री प्रोडक्ट है यानी कि जो फूड प्रोडक्ट है ये भी है, लेकिन क्या नहीं है, तो जो पेपर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पेपर जो है इज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम कोलकाता, ऑल अदर लेदर प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है और टेक्सटाइल है। तो चार का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, सी नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर पांच में आते हैं कि दार्जिलिंग फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स एंड टी प्रोड्यूसिंग विद इन विद अ यूनिक टेस्ट एंड अरोमा। दार्जिलिंग चाय बागानों और चाय की खेती के लिए दुनिया भर में फेमस है, इसकी उत्तम क्वालिटी की चाय और उस चाय में जो एक एरोमा, एक जो सुगंध है जो बहुत ही यूनिक है, इसके लिए दार्जिलिंग टी जो है बहुत फेमस है। तो ये बताइए, सवाल ये है कि द मैनेजमेंट ऑफ द टी इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा यहाँ पे चार संस्थाएं हैं, तो ये जो चाय का जो मैनेजमेंट होता है, चाय का बनाना, चाय का एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, प्रोसेस करना, इसकी देख रेख भारत में कौन करता है, कौन संस्था है, कौन बॉडी है। तो जैसा कि आप पिक्चर में ही देख सकते हैं, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत का जो टी बोर्ड है जिसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है और इसे 1 अप्रैल 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अंदर आता है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है ये इसका सही जवाब होगा, जो इस तरह के दार्जिलिंग टी को जो है मैनेज करता है या किसी भी भारत में बनने वाले टी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के ये जो एरिया है ये आपका दार्जिलिंग है जिसको हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है और ये जो आप जो देख सकते हैं जो हरे हरे जो पार्ट है जहां पर जितनी ज्यादा जो है चाय की खेती जो होती है, दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको चारों ओर जो है एक ढलान के रूप में बहुत ही सुंदर सा एक लैंडस्केप दिखता है जो कि चाय की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और वहां पर चाय खेती इतनी अच्छी इसलिए भी होती है तो चूंकि वो पहाड़नुमा खेती एक स्टेप एग्रीकल्चर होता है तो वहां पे क्या होता है पानी जो होता है चाय के जड़ों में कभी भी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टेप वाइज कल्टीवेशन होता है तो पानी जमा होने का सवाल ही नहीं है। तो वहां की क्वालिटी जो होती है बहुत ही शानदार होती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, अगला सवाल है वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट टी ऑक्शन मार्केट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में वो कौन सा जगह है जहां पे चाय की नीलामी का सबसे बड़ा मार्केट लगता है। जी हाँ, पूरे भारत से चाय की नीलामी जो है यहाँ पे होती है, व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं, अलग अलग सैंपल रखे होते हैं, चाय बना के रखा होता है उस चाय पत्ती का, चाय का एरोमा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और डिमांड के हिसाब से वहां पे उस चाय की नीलामी होती है और पूरे बाहर विदेशों में या भारत या विदेशों में जो है इसकी निर्यात होता है।
ठीक है। तो जहां तक इसका सवाल आंसर का सवाल है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलहट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलहट हाउस कहते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं। और ये कहां पे है? तो ये कोलकाता में है। तो आपने अगर कोलकाता जवाब दिया है तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाएंगे, सही जवाब है इसका। सवाल नंबर 7 है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल इज फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री फॉर मिडवियल टाइम। मध्य भारत से ही यानी कि प्राचीन काल से ही सिल्क यानी कि रेशम के उद्योग के लिए बंगाल का वह कौन सा जिला है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, जो सिल्क और सिल्क से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, आपका शॉल हो गया, साड़ी ही बहुत ज्यादा बिकती है वहां पे, तो बंगाल सिल्क इसके लिए बहुत फेमस है। तो बंगाल का वो कौन सा जिला है, क्या बता सकते हैं? क्या वो नदिया है, वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है या बांकुड़ा है? आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर है नहीं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप मन में बोल दे, टाइप करने का समय नहीं है, तो कोशिश करें कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हमारा मुर्शिदाबाद, जो है बहुत ज्यादा फेमस है सिल्क इंडस्ट्री फ्रॉम मिडवियल टाइम, मध्य भारत से। मुर्शिदाबाद जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल सिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, और पूरे भारत का तीसरा लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, स्टेट है पश्चिम बंगाल, ठीक है। कासिम बाजार जो है इज वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ सिल्क परचेज फॉर द ब्रिटिश सिल्क मर्चेंट। माने अंग्रेज जो थे उस समय सिल्क का बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, और उसके लिए पश्चिम बंगाल का जो एरिया जो था कासिम बाजार, ये बहुत ज्यादा एक हब बन गया था सिल्क का व्यापार करने के लिए, और अंग्रेज जो है सिल्क का व्यापार बहुत ज्यादा करते थे। देखिए यहाँ पे मुस्लिम, जामदानी है ना, उसके बाद बलूचरी, बुटीदार साड़ी जो है फ्रॉम मुर्शिदाबाद कैन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो है पाया जाता है इस तरह की साड़ियां। 1658 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, कुठी खोला था, कहाँ पे, मैंने कुठी जहां पे एक अब गोदाम समझ लीजिए कासिम बाजार में, और उन्होंने सिल्क के फैब्रिक यानी कि सिल्क के जो रेशे हैं उन्हें खरीदने का व्यापार शुरू किया, ताकि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। भारत में काफी सस्ते दर पर था और बाहर एक्सपोर्ट करते थे तो काफी अच्छे दाम मिल जाया करते थे। और इसी समय जो था, डच की बात करें या फ्रेंच की बात करें या हम पोर्तुगीज की बात करें, इन्होंने भी अपने अपने कुठीज खोल लिए थे, कहां कहां, कालिकापुर में, फारसडंगा में या सईदाबाद में, ताकि ये भी सिल्क का व्यापार कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मालदा है ये ऑल्सो फेमस फॉर मैंगो। आपको पता है मालदा के आम, अगर पूछा जाए कि मालदा किस लिए फेमस है, और इसी तरह के सवाल WBT में पूछे जाते हैं कि मालदा इनमें से किसके लिए फेमस है, तो दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो है शहतूत के लिए और एक है आम के लिए। तो आम तो पूरे भारत में जो है, मालदा के आम पूरे भारत में जाते हैं, तो मालदा एक हो गया मैंगो, एक हो गया मलबरी। मलबरी के जो पत्ते होते हैं उसी को कौन खाता है, सिल्क वर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े जो वही पत्ते खाते हैं और रेशम छोड़ते हैं मरने के बाद, जो कि जिनसे सिल्क के रेशे बनते हैं, और जिन सिल्क जो है हमारे बंगाल में काफी ज्यादा फेमस है, खासकर मुर्शिदाबाद में, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। और सवाल, जैसे मैंने कहा, मलबरी जो कि तूत आप लोगों ने बचपन में खाए होंगे, जिसे हम लोग मलबरी कहते हैं, और मलबरी के पत्ते कौन खाता है, इससे के रेशम के कीड़े खाते हैं, सिल्क वर्म खाते हैं, सेरिकल, जिसे इसकी खेती कहते हैं सेरिकल्चर। सवाल है, पश्चिम बंगाल में सिल्क इंडस्ट्री कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल में सिल्क इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है, अभी हमने पढ़ा कि सिल्क इंडस्ट्री के लिए बंगाल का वो जिला जो बहुत फेमस है वो कौन है, तो वो मुर्शिदाबाद है। अभी हमने कहा था ये मलबरी के पत्ते हैं, ये शहतूत जो काफी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर इसके पत्ते जो है ये रेशम कीड़े बहुत खाए जाते हैं, ठीक है, बहुत खाते हैं, और ये क्या देते हैं, रेशम देते हैं। सवाल नंबर 9 है, धनिया खाली फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। देखिए धनिया खाली पश्चिम बंगाल का एक जगह है, और ये रेशम उद्योग के लिए काफी फेमस है, खास करके तो साड़ी के लिए, साड़ी के लिए, किस साड़ी के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं पेस्टल शेड साड़ी, पेस्टल से, ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह की साड़ी बाजार में आप लोगों को मिलती होगी। पेस्टल एक कलर होता है, आपको पता है घर में बच्चे जो है पेस्टल कलर करते हैं, तो पेस्टल कलर क्या होता है, जितने भी डीप कलर में जब आप व्हाइट कलर को मिक्स कर देते हैं तो कलर जो है क्या हो जाता है, हल्का, मतलब हल्का हो जाता है, माइल्ड हो जाता है, तो इससे पेस्टल कलर के शेड्स इस तरह के आ जाते हैं,
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 धनिया काली फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्री, तो सवाल नंबर 9 का हमारा आंसर कौन होगा, कहां पे है ये, तो इसका सही जवाब होगा ये हुगली में है। धनिया काली की जहां तक हम बात करें तो पहले ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की धोती के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन बहुत ज्यादा लो डिमांड होने के चलते और इसमें लाभ होने के चलते धनिया काली ने क्या किया, धोती का उत्पादन बंद करके पेस्टल शेड साड़ी यानी कि सिल्क साड़ी का उत्पादन जो है शुरू कर दिया, जो काफी ज्यादा फेमस हो गया। आगे देखते हैं, द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम लोग इसको कहते हैं, और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है, किसके बाद, टिस्को के बाद, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इस सेटअप एट विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के किस औद्योगिक जगह में इसकी स्थापना है, क्या वो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है, कोलकाता इंडस्ट्रियल रीजन है, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन है, या हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इसको कंपनी जो है, इसका जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसका पूरा नाम है दुर्गापुर रानीगंज आसनसोल इंडस्ट्रियल रीजन, इसी रीजन में जो है इसको इसको जो है सेटअप किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन, जहां पे उद्योग की स्थापना होती है, उद्योग के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के नियम भी जो है बहुत ही माइल्ड होते हैं ताकि इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके, वहां का पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जा सके, वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, द मेजर स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बेल्ट्स इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जितने भी जगह है वहां पे कहां कहां पे मेजर स्टील प्लांट जो है वो ज्यादा जो है स्थापना हुआ है। ठीक है, देखिए पूरे भारत में जो है 13 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स है, जिसमें से दो जो है पश्चिम बंगाल में है, एक तो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, से हम इसको कहते हैं, अभी हमने भी पढ़ा इसके बारे में, जो कि दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन, द दुर्गापुर रानीगंज आसनसोल इंडस्ट्रियल रीजन में स्थापित है। ठीक है, जो कहाँ है, बर्नपुर नियर आसनसोल, और दूसरा जो है वो कौन है, दूसरा जो आयरन एंड स्टील कंपनी है वो है दुर्गापुर स्टील प्लांट, DSP कहते हैं, जो कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ये क्या है, फेमस है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा दुर्गापुर आसनसोल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अब कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्पीत नगरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेगा, जो लोग इस आसपास रहते हैं वो जरूर, मैं कहूँगा जो लोग मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आप लोग पश्चिम बंगाल के तो अलग अलग जिलों में रहते ही होंगे, तो जो भी सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उनमें से कोई बंदा बच्चा जो है स्टूडेंट जो है इसके आसपास अगर रहता है या उस जिले में रहता है तो जरूर एक बार कमेंट करें इस सवाल में आप वहाँ रहते हैं, बोलते तो मुझे बहुत खुशी होगी। दुर्गापुर इस्पात नगरी जो है ये कहां पे है, दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी किनारे कहां पे, पश्चिम बर्धमान जिले में, हाँ, जो कि इन द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ दुर्गापुर, जो कि बहुत ही अच्छा डेवलप किया हुआ एक इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा बर्धमान। तो बर्धमान से मुझे लगता है काफी स्टूडेंट होंगे जो बर्धमान जिले से होंगे, तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इन सवाल को सुन रहे हैं तो जरूर एक बार कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगला है, द आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ राउरकेला एंड, यहाँ पे एंड होगा, डी छूट गया है, सॉरी, द आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ राउरकेला एंड दुर्गापुर वर कंसीव्ड अंडर, WBCS प्रीलिम्स 2008 का सवाल है कि राउरकेला में जो आयरन और स्टील के कारखाने हैं और दुर्गापुर में जो है, इसे भारत के किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसे शुरू किया गया था। देखिए, अगर भारत के पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन जिसे अभी नीति आयोग कहते हैं, जिसके चेयरमैन जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो कई सारे 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आ चुकी है, तो आपको पता होगा, अगर आपने सेकंड वाला 5 ईयर प्लान अगर पढ़ा है जो कि 1956 से लेके 1961 तक चला, जो कि महालोनोबिस मॉडल पे आधारित है सेकंड 5 ईयर प्लान, तो आपको पता होगा कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आया था भारत में उद्योग की स्थापना करने के लिए, ताकि देश को आगे बढ़ाया सके। देखिए, तो इसका आंसर तो होगा सेकंड 5 ईयर प्लान, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप जान लें। देखिए, दूसरा सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या हुआ था, स्टील प्लांट जो है स्थापित किए गए थे राउरकेला, भिलाई, है ना, और दुर्गापुर में। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल प्लान भी कहते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान को ही औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल प्लान कहते हैं, जो महालोनोबिस के मॉडल पर आधारित थी 1956 से 1961 तक, और इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जो कि शुरू हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि महालोनोबिस के मॉडल पे आधारित है, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही सबसे ज्यादा जोर जो है वो बेसिक
और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पे दिया गया था, जहां पे बहुत ज्यादा आधारभूत और पूंजी की जरूरत होती है, बड़े बड़े उद्योग और कारखाने स्थापित करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे देश में फेवरेबल कंडीशन है। तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान में टोटली इंडस्ट्री पे बेस प्लान जो है लाया गया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सवाल नंबर 14 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो अभी मैंने कहा डीएसपी कहते हैं, ये सेटअप किया गया था सेकेंड फाइव प्लान में, पता ही है आपको, एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ही दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई सेकेंड फाइव प्लान में। पूछा है किस नदी के किनारे है, तो दुर्गापुर जो है, जो ये देख सकते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट की एक छोटी सी तस्वीर है, जो नदी है ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। कौन सी नदी है, दामोदर नदी, इसका आंसर हो जाएगा। विच आयरन एंड स्टील प्लांट इज कॉल्ड रूट ऑफ इंडिया, कह रहा है कि वो जो है किस आयरन एंड स्टील प्लांट को भारत का रूढ़ कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसका अभी मैंने इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं, इसका सही आंसर होगा दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर तो हमने आंसर कर दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो बार बार ये जो रूढ़ ऑफ इंडिया कहा जाता है एक्चुअली क्या है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी रूढ़ ऑफ इंडिया कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की खासियत ये है कि वहां पे जो कोयले का जो रिजर्व है, वो काफी ज्यादा है। आप पूरे भारत का 6% से भी अधिक कोयला अकेले वहीं से निकलता है। देखिए रूट ऑफ इंडिया क्या है, या आप जान लीजिए, रूट जो है जर्मनी की जो नदी है राइन नदी, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूट। इसे रूट रिवर वैली कहते हैं, रूट नदी घाटी कहते हैं, और यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का एक रिजर्व है, ठीक है, जिससे यहां पे लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ जर्मनी में। हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, केमिकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इस रिजर्व में काफी विकास हुआ, उद्योग काफी बढ़ा, पनपा, देश विकसित हुआ जर्मनी काफी ज्यादा। यहां से आप देखते होंगे भारत में जर्मनी के सामान बहुत सारे मिलते हैं, और इसलिए इस रीजन को जो है रूढ़ इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं। इसी तरह के जब बहुत सारे मिनरल्स और खनिज जो है हमारे देश में कहीं मिलता है, तो जर्मनी की उस रूढ़ नदी के साथ कंपेयर करके उसे भी रूढ़ ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह से भारत में जो दामोदर नदी घाटी है, जो दामोदर नदी के बारे में पढ़ा हमने, दामोदर नदी घाटी, यहाँ भी कोयले का बहुत ज्यादा रिजर्व है यहाँ पे, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो, हेवी इंजीनियरिंग हो, या केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, इसके आसपास जो है काफी कोयला होने के चलते दुर्गापुर में और रानीगंज और अंडाल में जो है काफी ज्यादा कोयले की मात्रा यहाँ पाई जाती है, जिससे ये इंडस्ट्रीज यहाँ पनपी है, और इसलिए दुर्गापुर को भी जर्मनी के उसी रूढ़ नदी के तर्ज पर रूढ़ ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिससे जर्मनी का पूरा नक्शा ही बदल दिया, देश की पूरी जो शक्ल है उसको बदल दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के रूढ़ ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। आपको नोट्स ही मैंने यहाँ पर दे दिए। वेयर इज द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, भारत पश्चिम बंगाल में जो जहाज बनाने का जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना है, जो उद्योग है, वो कहाँ है, वो हिंद मोटर, दमदम, रूप नारायण या खिदिरपुर। ये जो शिप बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये है हमारा वह कहाँ है, खिदिरपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, खिदिरपुर। चित्तरंजन इन वेस्ट बंगाल इज वेल नोन फॉर इट, चित्तरंजन तो आपको पता ही है, चित्तरंजन जो है पश्चिम बंगाल का वो जगह है जहां पे रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं, लोकोमोटिव काम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, CLW कहते हैं, तो लोकोमोटिव वर्क्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव, यानी कि देखिए इलेक्ट्रिक भी और डीजल लोकोमोटिव दोनों बनाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इसका हम लोग फेमसली क्या कहते हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, यानी कि CLW कहते हैं, जो कि चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के पास ही है। और फैक्ट्री जो है कब, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था, 1950 में, और ये 1972 तक जो है ये चलता रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर, अभी हमने कहा कि जो चित्तरंजन जो है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोड्यूस करता है, डीजल लोकोमोटिव प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो सही आंसर होगा चित्तरंजन में। WB TET के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से इनका सवाल का जवाब करें जवाब, आप कमेंट ना करना भी कर पाए कम से कम जल्दी से, तो कम से कम मन में ही जवाब दे दे कि इसका जवाब ये होगा। द बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन वेस्ट बंगाल, कह रहे कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा जगह है जहां पे बाइसाइकिल की प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आसनसोल। मुझे मालूम है
कि हमारे काबिल अकेडमी बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है नॉट 24 पैरेगना और आसनसोल से भी काफी ज्यादा है, ठीक है, जिनसे काफी मैं कांटेक्ट में रहता हूं, बातचीत होती रहती है, तो आसनसोल इसका सही जवाब होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज हल्दिया? हल्दिया पेट्रोकेमिकल जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, जहां से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में कहां पे इसका एस्टेब्लिशमेंट है, आपसे ये पूछा गया। देखिए हल्दिया जो है इसका सही आंसर, जो सवाल नंबर 20 है, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा पूर्व मिदनापुर। हिंदी में कहते हैं पूर्व मिदनापुर, इंग्लिश में कहते हैं इसको ईस्ट मिदनापुर। देखिए हल्दिया जो है इज लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस, माने हल्दिया जो हल्दिया नदी किनारे, हुगली नदी किनारे, तो हल्दिया इज लोकेटेड, जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल है, तो हल्दिया इज लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस, माने जहां पे मिलन होता है किसका, हुगली रिवर। हुगली रिवर, हुगली नदी क्या है, ये गंगा और हल्दी रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जिसको माने जहां पे ये तीनों मिलते हैं और इनके जल को दूसरी जगह ले जाती है, तो जहां पे इनका मिलन होता है हुगली रिवर गंगा और हल्दी रिवर का, वहीं पे हल्दिया जो है स्थापित है, ठीक है। तो ये कहां पे है पश्चिम बंगाल का, ईस्ट मिदनापुर यानी कि पूर्व मिदनापुर में। अगला सवाल है हल्दिया इस सेंटर पर, अभी हमने पढ़ा हल्दिया क्या का सेंटर है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। रिविजन भी अच्छा हो रहा है आपका, ठीक है। हल्दिया क्या के लिए फेमस है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। बाटानगर, मैंने अभी एक सवाल करवाया था जहां मैंने बाटानगर का जिक्र किया था कि भारत कलकत्ता से वो कौन से प्रोडक्ट है जो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाटानगर जो कि एक मेजर लेदर इंडस्ट्री है, ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बाटानगर एक ऐसा जगह है पश्चिम बंगाल का जहां पे चमड़े का उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चमड़े के बने हुए फिनिश्ड गुड्स हो, जूते हो, चप्पल हो, बैग हो, या कोई भी सामान हो, जो पूरे भारत में और विदेशों में बहुत बड़ी मात्रा में इसकी निर्यात की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, आप देख रहे होंगे इतने बड़ा बड़ा, यानी कि साउथ 24 पैरागना में, ठीक है। जब इसका पीडीएफ देंगे आप लोग को हम ऐप में, तो क्या होगा, आंसर भी इसमें मार्क होंगे ताकि आपको पढ़ने में काफी सुविधा हो। लास्ट ईयर काफी असुविधा हो गई थी, इस साल हमने इसका ध्यान रखा है। द दुर्गापुर रानीगंज रानीगांव आसनसोल इंडस्ट्रियल रीजन जो हमने पढ़ा अभी, जिसको हम लोग दुर्गापुर इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं, इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी पार्ट में, किसका, पश्चिम बंगाल के किसके पश्चिमी भाग में जो है ये जो है स्थापित है, ये आपको इसका आंसर देना है। हमने तो पढ़ा है इसके बारे में, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद के पश्चिमी हिस्से में जो है दुर्गापुर रानीगंज आसनसोल स्थित है। द सीमेंट प्लांट इज लोकेटेड एट विच द फॉलोइंग प्लेसेस, सीमेंट प्लांट आप यहां देख सकते हैं, दुर्गापुर सीमेंट लिखा हुआ है, ये दुर्गापुर सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री है, कारखाना है, देख सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, दुर्गापुर, और दुर्गापुर में जो लोग रहते हैं वो इसके बारे में काफी जानते भी होंगे कि वहां की ये सीमेंट जो है काफी फेमस है, ठीक है। विच प्लेस नियर कलकत्ता, कलकत्ता के किस जगह के नजदीक हैज अ लार्ज एल्यूमिना प्लांट दैट वाज सेट अप इन 1938, 1938 में एल्यूमिनियम प्लांट कारखाना जो स्थापित किया गया था कोलकाता के किस जगह के सामने। देखिए इंडिया का एल्यूमिनियम स्टोरी शुरू होता है ये बेलूर प्लांट से, पश्चिम बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये कोलकाता शहर के नजदीक है, ठीक है। सेटअप इसका स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, जिसकी उस समय कैपेसिटी थी 2500 टन पर एनम, प्रत्येक साल 2500 टन, आज जो है 45,000 टन जो है पर साल ये किया जाता है, जो कैटर्स टू वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एल्युमिनियम से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो यहाँ उसकी सारे मांगों को यहाँ से काफी हद तक जो है पूरा किया जाता है 45,000 टन पर एनम की कैपेसिटी से, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये आपका है बेलूर में, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिलिट्री आर्म्स एंड वेपन्स लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के किस जगह में डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कि जो जो रक्षा उद्योग है, जहाँ पे डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी आर्म्स एम्युनेशंस वगैरह जो है बनाए जाते हैं, मिलिट्री आर्म्स हो, वेपन्स हो, वो कहाँ पे है, इसे हम लोग आज कहते हैं गन एंड शेल फैक्ट्री। क्या कहते हैं, गन एंड शेल फैक्ट्री, जैसे काशीपुर हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इच्छापुर एंड दमदम, कहाँ पे है ये, इच्छापुर एंड दमदम। देखिए 1787 ईस्वी में जो है गन पाउडर फैक्ट्री, जो जो बारूद जो भरा जाता था, जो गन पाउडर जो जरूरत होती थी जिससे आग जलती थी, इसकी स्थापना जो है 1787 ईस्वी में जो स्थापित हुई थी, कहाँ पे, ईशापुर में, ठीक है। विच जो जो स्टार्ट किया था प्रोडक्शन फ्रॉम 1791, 1787 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1791 में इसने प्रोडक्शन करना शुरू किया। एट विच लोकेशन, राइफल फैक्ट्री जहां पे, जिसमें उसी में 1904 में
राइफल फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और राइफल भरने के लिए अब क्या चाहिए था, गन पाउडर चाहिए था। 1801 में एक गन कैरेज एजेंसी काशीपुर, गन कैरेज एजेंसी काशीपुर जो कोलकाता में है, जिसे आज गन कैरेज एजेंसी 1801 में जिसे आज किस नाम से पुकारा जाता है, गन एंड शेल फैक्ट्री काशीपुर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, इसको स्थापित किया गया और यहां जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ कब से, 18 मार्च 1802 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इच्छापुर है दमदम। सवाल नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू कॉटन साड़ीज एंड सिल्क साड़ी। कह रहा है कि वो कौन सा जिला है जो कि कुटीर उद्योग यानी कि लघु उद्योग जो होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होता है, जो कि सूती साड़ी यानी कॉटन साड़ी जो है और सिल्क की साड़ी के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है फेमस है, बहुत ज्यादा जो है क्या है फेमस है। देखिए नॉर्थ 24 पैरगनास की बात कीजिए, जो लोग वहां पर रहते हैं आपने सभी पता है, नदिया में जो लोग रहते हैं, मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद तो सिल्क साड़ी के लिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया, बांकुरा है या बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पश्चिम बंगाल है, ये सारे जो है लघु कुटीर उद्योग के लिए सूती साड़ी और सिल्क साड़ी के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो नॉर्थ 24 परगना, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, ये तीनों जो है इसका आंसर होगा, यानी कि ऑल द अबव। द मणिकंचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज इज सेट अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट। पता है कि मणिकंचन सेज आई थिंक कोलकाता के सॉल्ट लेक में ये स्थापित है, जो आप देख सकते हैं, जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मणिकंचन सेज है। इसकी स्थापना आखिर किस तरह के प्रोडक्ट के लिए की गई थी, देखिए इसमें से जो मणिकंचन है, मणिकंचन का क्या मतलब होता है, मणिकंचन का मतलब होता है जेम्स एंड ज्वेलरी। इसका क्या मतलब होता है, जेम्स गहने जेवरात जो पत्थर के जो नगीने होते हैं, तो इसकी स्थापना गेम्स नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा जेम्स, माफ कीजिएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी की करने के लिए जो है इसकी स्थापना जो की गई थी। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। Which among the following is not a special economic zone in West Bengal? देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत सारे इकोनॉमिक जोन है, इनमें से कौन इकोनॉमिक जोन नहीं है। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि मणिकंचन तो है, बाकी फाल्टा, यूनिटेक, हाईटेक और हिंद मोटर में पूछा कौन सा नहीं है। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 5 इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है फंक्शनल है, जो कि कहां पे है, फाल्टा सेज को बोलते हैं, जबकि मल्टी प्रोडक्ट जोन है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। मणिकंचन है सॉल्ट लेक में जो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है, विप्रो है सॉल्ट लेक में जो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, डालमिया एंड को लिमिटेड है बंताला में जो आईटी के लिए ही है, और यूनिटेक हाईटेक है राजरहाट में जो कि आईटी आईटीएस के लिए। तो कौन सा इसमें नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा हमारा हिंद मोटर। ये तीनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन ये हमारा नहीं आता है। एक्चुअली हिंद मोटर को हम लोग पहले क्या कहते थे, हिंदुस्तान मोटर के नाम से पुकारते थे, जो कि एम्बेसडर जो कार है, जो आज भी बहुत मैंने कम देखने को मिलती है, प्रोडक्शन होती है लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर कार है, यही एम्बेसडर का जो प्रोडक्शन है वो अभी हिंद मोटर जो है भारत में पश्चिम बंगाल में जो है होता है। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान एम्बेसडर को ही हिंद मोटर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आता। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज द इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ रघुनाथपुर लोकेटेड। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा जिला है जहां पे रघुनाथपुर नाम का उद्योग पार्क, जहां पे उद्योग की स्थापना होती है, उद्योग को पनपने के लिए डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, सॉफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ताकि इंडस्ट्री यहां पे डेवलप कर सके। देखिए रघुनाथपुर जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, आपको बता दिया इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ये कहां पे है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। रघुनाथपुर क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, रघुनाथपुर सब डिवीजन का, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिटी रघुनाथपुर जो है लोकेटेड है नियर आद्रा टाउन ऑन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में आद्रा शहर जो है वहीं पे इंडस्ट्रियल सिटी रघुनाथपुर जो है लोकेटेड है, ये वहां की एक पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं चाहूंगा कि क्या आप में से कोई जो इस एरिया में रहता है या पता हो, क्या यहाँ पे एक बहुत फेमस माउंटेन है, पहाड़ी है, क्या इस पहाड़ी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स सीबी में बता सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल पोली पार्क फॉर पॉलीमर प्रोडक्ट हैज बीन सेटअप, ये आपसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले देखिए पोली पार्क क्या है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर जो होता है एक नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर होता है,
क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, रेशा होता है, मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है। यहाँ जितना भी आप देख सकते हैं ये घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये पानी भरने का जारकेन हो या तेल का जारकेन हो या कंटेनर हो, ग्लास के बॉटल्स हो या ड्रम्स हो या ट्रॉली हो या सब्जी रखने का कोई ट्रॉली हो, बाल्टी हो, कुछ भी आप देख लीजिए, मैट वगैरह हो या इस तरह के प्लास्टिक की कुछ भी आप देख सकते हैं, बर्तन वगैरह जो भी देखते हैं, ये सब पॉलीमर से बनने वाले सारे प्रोडक्ट है। तो इस तरह का पॉली पार्क जो है स्थापित जो किया गया था वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है हावड़ा में। ठीक है, यहाँ पे हावड़ा जो मैंने लिख कर रखा है ये आपके आंसर के लिए। आगे है, विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडस्ट्रियल पार्क। विद्यासागर भी एक इंडस्ट्रियल पार्क है और पूछा गया है पश्चिम बंगाल के ये कहां पे है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा खड़गपुर। खड़गपुर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल है और मोस्ट पॉपुलर टाउन इन पश्चिम मिदनापुर, और ये कहां पे है, वेस्ट मिदनापुर यानी कि पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर में विद्यासागर इंडस्ट्री है। और आपको मालूम है खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर भी है, पूरे भारत में नंबर 4 पे आता है, ठीक है ना, मुंबई के, मुंबई 3 नंबर पे आती है आईआईटी मुंबई, और आईआईटी खड़गपुर जो है वो चौथे नंबर पे आता है। मैंने इसके बारे में क्लास ईबीएस में ले रखी है, 2 या 3 नंबर की क्लास में। WBIDC दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए WBIDC जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए WBIDC इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। तो आंसर कौन होगा इसका, 1967, और इसकी स्थापना उस समय कंपनीज एक्ट के तहत हुई थी, जो उस समय का पश्चिम बंगाल का जो है क्या था, नोडल, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री कॉमर्स एंड एंटरप्राइज डिपार्टमेंट का एक नोडल एजेंसी था, उसके तहत WBIDC की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसी के तहत जो है इंडस्ट्री को पश्चिम बंगाल में डेवलप किया जाता है। When did Webel आपने सुना होगा, Webel adapted itself to suit the requirements of the IT and ITES industry। देखिए Webel का मतलब है, Webel का फुल फॉर्म आ सकता है कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले ये जिस तरह के ट्रेडिशनल अप्रोच से आगे बढ़ता था या टेक्नोलॉजी को यूज करता था, उससे डिमांड पूरी नहीं होती थी, काफी स्लो था, ठीक है, इसलिए जब बदलते वक्त के साथ साथ इसने भी अपने आप को जो है नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और नए टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपने आप को जोड़ा, अपने आप को बदला। तो ये कब किया इसने, ये किया सन 2000 में, कब किया इसने, सन 2000। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू यंग एंटरप्रेन्योर हु हैव यूनिक बिजनेस आइडिया। बंगाल में ऐसे युवा लोग जो आगे बढ़ के कुछ ऐसे बिजनेस के आइडियाज देते हैं जो बहुत ही यूनिक है, और सरकार को लगता है कि हाँ यहां पैसे लगाए जा सकते हैं, इस बंदे को कैपिटल देके इसके बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इसे पूंजी देके इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो ये जिस स्कीम के तहत बंगाल में होता है उसका नाम है एगीए बांग्ला। क्या कहते हैं, एगीए बांग्ला, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट देते हैं यंग एंटरप्रेन्योर को जिनके पास बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडियाज होते हैं। यहां देख सकते हैं एगीए बांग्ला आपको यहां पर दिया हुआ है लोगों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो बात है वो सही है। फर्स्ट जूट मिल स्थापित हुआ था 1859 में रिसड़ा में नियर कलकत्ता, ये बात सही है, पहला सवाल तो यही था हम लोग का। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेस कहते हैं, इसकी स्थापना कुल्पी में हुई है, ओवर एन एरिया 1500 हेक्टेयर में हुई है, ये भी बात सही है। देखिए बात तो दोनों सही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने कहा था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का होना, किसी एरिया को जब विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा मिलता है, जिसके लाभ क्या है, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे स्कोप होते हैं, जहां से विदेशों से लोग आके यहाँ अपना पैसा लगाते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप करती है, कैपिटल गुड्स आते हैं, बड़े बड़ी मशीनरी आती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग काफी बढ़ता है, बाहर के डॉलर जब यहाँ से जब सामानों को प्रोड्यूस करे, जब विदेश भेजा जाता है, बाहर के जो डॉलर है जिसकी वैल्यू रुपए से काफी ज्यादा है, तो फॉरेन एक्सचेंज भारत में आते हैं तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती है, चाहे डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो या यूरो हो। इंप्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, ऑफकोर्स रोजगार बढ़ता है काफी ज्यादा मात्रा में, न्यू पॉलिसी में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाता है, आर्थिक दृष्टि से वो राज्य जो वो देश जो है काफी आगे बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम GDP आगे बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन यानी कि बाहर की टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको जब होता है तो आप नई नई तकनीक के जरिए कम कॉस्ट में, कम लागत में जो है हाई यील्डिंग, हाई प्रोड्यूस जो है आप दे सकते हैं।
Which of the following statement is a correct? Jute industry पश्चिम बंगाल में जो है वो इसलिए फ्लरिश कर रहा है क्योंकि जूट इज ग्रोन इन प्लेंटी हेयर। बात सही है, यहाँ पे जूट इंडस्ट्री इसलिए फ्लरिश कर रही है क्योंकि यहाँ पे जूट के उत्पादन के लिए जो एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट होता है, यहाँ पश्चिम बंगाल का जो एनवायरमेंट है वो काफी हॉट और काफी ह्यूमिड है और पानी भी यहाँ पे बारिश भी जो है पर्याप्त मात्रा में होती है जो कि जूट के प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब बोलता है कि यहाँ पे रोडवेज जो है काफी डेवलप है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, जिसे जूट फार्म से जूट फार्म को मिल पे ले जाने की सुविधा होती है। ये तो बाद में आता है ना, लेकिन जूट ही नहीं उगेगा तब रोडवे का क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली वन। लास्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का जहां तक कुटीर उद्योग है और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, अगर इनको हम ध्यान में रखें तो आपको बताना है कि इनमें से कौन इसको बिलोंग करता है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, शोला पीट वर्क, बेकरी, बी रेजिंग। तो अगर हम स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये चारों स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के तहत ही आता है पश्चिम बंगाल में। ये लघु और कुटीर उद्योग में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये था इंडस्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज का सीजन 2 का एपिसोड 4 था, जिसको आज हमने कंप्लीट किया। बहुत रिसर्च करके ये क्लासेस आती हैं और मुझे लगता है कि इस साल काफी क्वेश्चन का पैटर्न पूरी तरह से बदलेगा और सवालों का लेवल भी काफी हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कितने सारे केसेस और डिस्प्यूट्स कोर्ट में हो रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही है, कई सारे सवालों में लोग चैलेंज कर देते हैं, उनका चैलेंज सक्सेसफुल भी हो जाता है, 10 से 12 सवालों में जो है इस तरह से होता है। तो इसको दूर करने के लिए सवालों का जो स्टैंडर्ड होगा ईवीएस में, वो काफी इस बार हाई कर दिया जाएगा और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन इस बार तो जरूर पूछे जाएंगे। तो ये क्लास जो है आज यहां खत्म होती है, इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। अगर आप तो वीडियो अगर आपको सच में अगर अच्छी लगी हो, काफी आपको लगता हो कि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो प्लीज लाइक कर दो यार, है ना, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो कम से कम दूसरों को शेयर के कहो कि वो सब्सक्राइब कर ले ताकि काबिल एकेडमी का परिवार बढ़े। आप लोग जितने भी इस वक्त मेरी ये बात सुन रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि काबिल एकेडमी का परिवार बड़ा होना चाहिए ताकि आप भी को भी एक गर्व हो कि आप इसका एक हिस्सा है, है ना। काबिल एकेडमी प्ले स्टोर पे इसका ऐप है जिसे आप डाउनलोड करके यहां से WBTET की कोर्स आप ले सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं राजेश सर साइन ऑफ करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।